हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ हाबीपुर के इस्कॉन मंदिर में, जिसे गौरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस मंदिर का फुल कवरेज। मैं हूँ प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं चैनल लवेबल प्रो। इस्कॉन ने नदिया डिस्ट्रिक्ट में रानाघाट के पास हाबीपुर में एक गौरधाम मंदिर की स्थापना की है। हाबीपुर की सबसे अच्छा आकर्षण ये मंदिर है। इस मंदिर के कारण हाबीपुर बहुत फेमस हो गया। पहले जान लेते हैं ये इस्कॉन क्या है। इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जो भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में प्रचार करते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। इसे हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी में की थी। अब आते हैं हाबीपुर की गौरधाम मंदिर के बारे में। इस मंदिर का उद्घाटन 13 जुलाई 2010 में हुई थी। इस मंदिर में श्री श्री जगन्नाथ देव, सुभद्रा और बलराम जी की पूजा की जाती है। मंदिर डेली सुबह 4:30 बजे खुलती है और शाम 8 बजे बंद होती है। आप सुबह और शाम जगन्नाथ जी के आरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे भोग प्रसाद भी मिलता है। भोग प्रसाद लेने के लिए आपको कूपन करना पड़ेगा। कूपन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 तक देता है। दो टाइप के कूपन है, एक ऑर्डिनरी है जिसकी कीमत 60 रुपीज़ है और एक स्पेशल है जिसे राजभोग कहा जाता है, जिसकी कीमत 150 रुपीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अनुदान कर सकते हैं। आपका अनुदान एक विशेष दिन में श्री श्री जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाता है। अगर आप मंगल आरती में अर्पित करना चाहते हैं तो 101 रुपया, एक दिन की फूल के लिए 501 रुपया, भोग आरती और 56 भोग के लिए 3001 रुपया, और भी इस लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की, कोलकाता से एक दिन की टूर के लिए सबसे अच्छा जगह हाबीपुर की इस्कॉन मंदिर है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो मंदिर कमेटी का बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में नॉन एसी रूम का भाड़ा 800 रुपीज़ पर डे और एसी रूम का भाड़ा 1000 रुपीज़ पर डे। कोलकाता से इस मंदिर में आने के लिए आपको सियालदह स्टेशन से शांतिपुर लोकल ट्रेन पकड़ के हाबीपुर स्टेशन में उतरना पड़ेगा। हाबीपुर रानाघाट स्टेशन से 2 स्टेशन के बाद है। सियालदह से हाबीपुर का डिस्टेंस 81 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 2 घंटे लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।